गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों आइए, अब आज हम आपके सामने एक अलग तरीके की एक क्वेश्चन लाए। ये सवाल है, देखिएगा इन सवालों में कई लोगों को प्रॉब्लम होती है और शायद आपको भी होती है। देखिए फिर भी हम इस सवाल को, आपकी प्रॉब्लम समस्या को दूर करने की कोशिश करें। ये है 7x² + x - 6, इसका और इसका करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पे जब कोई फॉर्मूला कोई चीज नहीं है तो यहाँ पे एक होना चाहिए, एक हमेशा इन्वॉल्व रहता है हमेशा। तो 7x² का कितना हो गया 42। अब हमें इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने से कितना आना चाहिए, माइनस बनाना चाहिए। यानी कि अगर हम 7 - 6 करें इज इक्वल टू कितना आएगा 1, और 7 * 6 करें तो कितना आएगा देखिएगा 42। यानी कि अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिएगा, 7x² + 7 - 6 x - 6। अब क्या करेंगे हम इसको 7 रहने देंगे, x² + 7। अब इस x का पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर इसके साथ, तो देखिएगा 7x - 6x - 6। अब इन दोनों में हम कॉमन लेंगे। कॉमन क्या होता है, जो दोनों तरफ से खेलता है। आपने देखा होगा मैच में भी कॉमन वो होता है जो दोनों तरफ से फील्डिंग करता है, जो दोनों तरफ से खेलता है। आइए जानते हैं इसमें कॉमन कैसे लिखते हैं। देखिए इधर 7x है, इधर भी 7x है, तो क्या ले लिया हमने 7x कॉमन। यहाँ पे क्या बचा, 7 कॉमन ले लिया, ऑलरेडी 2x था, 1x बचा, ठीक है, प्लस 7x ऑल्सो कॉमन ले चुके, क्या बचा 1। यानी जब यहाँ पे कुछ नहीं है कॉमन लेने के लिए तो क्या लेंगे हम 6। 6 जब कॉमन लेंगे तो ध्यान रखना, जब हम ब्रैकेट लगाते हैं तो ब्रैकेट लगाने के बाद अंदर का साइन चेंज हो जाता है अगर बाहर माइनस होता है तो। देखिएगा ये यहाँ पे क्या बचा ओनली 6x, और यहाँ पे साइन चेंज हो गया, 6 बन गया 1, ठीक है। दो ब्रैकेट जब एक जैसे हैं उनको लिखते हैं एक बार, ठीक है। क्या बचा हमारे पास 7x और -6। देखिएगा इज दैट आंसर, यही हमारा आंसर है। और इसी तरीके से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए यह इक्वेशन बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। देखिए x² + 7x + 6 है, 6 का फैक्टर करेंगे, जोड़ने से हमें 7 आना चाहिए और गुणा करने से हमारा 6 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने से। देखिए 6 + 1 कितना हो गया 7, और हम यहाँ क्या लिखेंगे 7। देखिए x² + 6 + 1 इन ब्रैकेट एक्स बाहर, और फिर एक्स का वही ऊपर वाली इक्वेशन करें दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो x² + 6x + 1x + x। अब देखिएगा इन दोनों में भी हम कॉमन लेंगे, इसमें अलग कॉमन लेंगे और इसमें अलग कॉमन लेंगे। आइए देखते हैं क्या लेंगे, यहाँ पर कॉमन आ रहा है x, क्योंकि यहाँ x² था, x कॉमन आ गया तो क्या बचा ओनली x। देखिए x ये बचा, प्लस यहाँ पे x ऑलरेडी कॉमन आ चुका है तो क्या बचा 6, यहाँ 6 लिख दिया हमने। अब यहाँ कॉमन लेने के लिए कुछ नहीं है तो हम 1 को ऑलरेडी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 1 हमेशा ऑल टाइम हर किसी के साथ इन्वॉल्व रहता है। देखिए दो ब्रैकेट एक जैसे उनको लिखेंगे 1 बार, बाकी हमारा x + 1, यही यही हमारा आंसर है। हम आपकी इस समस्या को सॉल्व कर पाए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएं यह चीज़ कैसी है और कैसा सवाल है, कैसा आपको मजा आया कमेंट करके तुरंत बताएं।